एडिटिंग, एवरीवन लव्स एडिटिंग राइट। लाइक हम लोग एक पिक क्लिक करते हैं, फिर ये फिल्टर लगाते हैं, वो फिल्टर लगाते हैं, एंड फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह बस अपलोड करते हैं। एंड फिर हम लोग वेट करते हैं कि कितने लाइक्स हुए, 50, 100, 1000 लाइक्स बहुत ज़्यादा लाइक्स होते हैं वो। फिर लेकिन हम लोग वेट तो करते हैं, क्योंकि कोई भी हम लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम अच्छे लगे, या फिर जो हम शॉट ले रहे हैं वो अच्छा लगे, जो हम सोचते हैं वो हमें मिल पाता है कि नहीं, जो हम शॉट सोचते हैं। तो एडिटिंग के बहुत सारे फायदे हैं अगर प्रॉपरली हम लोग उसे इम्प्लीमेंट कर पाए। जब एक फोटोग्राफर कोई पिक क्लिक करता है तो उसके वो एक पर्सपेक्टिव शॉट बना लेता है कि मुझे ये शॉट चाहिए, इस सिनेरियो में मुझे ये शॉट चाहिए, मुझे ये चीज़ यहाँ पे चाहिए, इस पूरा ये फ्रेम कैप्चर करना है मुझे। लेकिन कभी कभार बहुत सारे ऐसे शॉट्स हमें नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि चाहे वो लाइटिंग कंडीशन हो गया, या फिर वेदर कंडीशन हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, तो हमें वो परफेक्ट शॉट नहीं मिल पाता है। एंड सो हम क्या करते हैं कि उसे थोड़ा एडिटिंग करते हैं, थोड़ा या फिर लाइक थोड़ा सा अपनी तरीके से, जिस तरह से हम लोग ने सोचा था उस तरह से थोड़ा पोस्ट प्रोसेसिंग करके हमें परफेक्ट आउटपुट उसके बाद एडिटिंग करने के बाद मिलता है जो हमें चाहिए होता है। लेकिन अगर हम लोग एडिटिंग को ठीक तरह से यूज़ नहीं करते, जैसे एमेचर्स की बात हो गई, वो बस उनको कोई नॉलेज नहीं है एडिटिंग का, वो बस ये कर दिया, वो फिल्टर लगा दिया, इस सैचुरेशन को एकदम टॉप पूरा बढ़ा दिया, कॉन्ट्रास्ट को पूरा घटा दिया, तो मतलब ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जो मैं आज बताने वाला हूँ, जो एक एमेच्योर गलती करता है एंड जो एक एक्सपर्ट नहीं करता है। सो आप अपने बस यू कुछ टिप्स से अपने एक पिक को इधर से इधर तक पहुंचा सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टेक नंबर 1, डोंट नो व्हाट टू डू। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि कोई पिक क्लिक करते हैं, फिर डायरेक्टली फोटोशॉप या फिर लाइटरूम में डाल दिया, एंड फिर कुछ भी मतलब लेवल घटा रहे, बढ़ा रहे, मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब कभी कभार लाइक मैं जब देखता हूँ कि बस एक फ़ोटो को कोई एडिट कर रहा है, मतलब कभी सेचुरेशन इधर बढ़ा दिया तो कभी कॉन्ट्रास्ट, क्या मतलब क्या करते रहते हैं। सो ऐसा बिल्कुल मत करना गाइस, क्योंकि पहले से एक थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में बना लेना, ये स्पेशली फोटोग्राफी से भी पहले, कि मुझे क्या शॉट चाहिए, परफेक्ट क्या फ्रेम चाहिए, क्या शॉट चाहिए, कौन सा लाइटिंग कंडीशन चाहिए। उसके बाद जब फोटोज क्लिक हो जाए, उसके बाद हम लाइटरूम में या फिर फोटोशॉप में या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करते हैं वहाँ पे जाके हम अपने जो थॉट प्रोसेस के हिसाब से हम कलर करेक्शन कर सकते हैं, कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। सो बहुत लोग यहीं पे गलती कर देते हैं कि रैंडमली बस स्लाइडर को बस इधर बढ़ाते हैं, इधर कमाते हैं, बस ये करते रहते हैं। सो गाइस आप लोग ये बिल्कुल मत करना, पहले से एक थॉट प्रोसेस बना लेना कि हमें ये फ्रेम चाहिए, ये शॉट चाहिए, ये लाइटिंग कंडीशन चाहिए, उसके हिसाब से बाकी जो करना है उसके हिसाब से करना, देखना आपका पिक पहले से बहुत अच्छा लगने लगेगा। सो ये था मिस्टेक नंबर 1। मूविंग ऑन टू मिस्टेक नंबर 2, ओवर एडिटिंग। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। लाइक लोग ये मिस्टेक तो सबसे ज़्यादा करते रहते हैं, पता नहीं उन लोगों को मतलब क्या खुशी मिलती है कि जब भी मिल गया कोई एक्सपोजर स्लाइडर या फिर कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर या फिर ब्लैक्स, वाइट, शेडोज, कुछ भी स्लाइडर मिल गया तो बस कमा दो या फिर बढ़ा दो। करने में बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन एक्चुअली में जो फोटो निकल के आता है वो बहुत ओवर एडिटेड लगता है। लाइक उसका जो एक एसेंस होता है, नेचुरल एसेंस होता है, जो ओरिजिनल एसेंस होता है, वो तो पूरा मतलब गया। सो एडिट करते समय गाइस हमेशा उसके नेचुरल एसेंस को देख, नेचुरल जो ब्यूटी होता है हर एक फोटोग्राफ का नेचुरल ब्यूटी होता है, उसको खोने मत दीजिए। हाँ, हम लोग एडिटिंग क्यों करते हैं? ताकि हम अपने फोटोज को कलर करेक्ट कर सकें या फिर कलर ग्रेड कर सकें, ऐसे ही नहीं कि बस मजे के लिए करते रहते हैं। सो आप जब कोई एडिट कर रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि वाइब्रेंस को एकदम पूरा बढ़ा नहीं देना है, सैचुरेशन को पूरा घटा नहीं देना है। जो हमें लुक चाहिए, जो हमने मिस्टेक नंबर 1 पे भी बताया था कि हम जो थॉट प्रोसेस बनाते हैं उस हिसाब से एडिट करना है, कि उस हिसाब से अगर थोड़ा सैचुरेशन थोड़ा अगर ओरिजिनल फोटो में कम लग रहा है तो बस थोड़ा स्लाइडर को बढ़ाना है, वाइब्रेंस कम लग रहा है तो थोड़ा बढ़ाना है, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा लग रहा है तो बस थोड़ा घटाना है। सो ये था मिस्टेक नंबर 2। आगे बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 3 पे। अब मिस्टेक नंबर 3 सुनने में बहुत ही लगता है कि लेस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कई बार ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। एक्सपर्ट्स इसे बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द इमेच्योर्स इसे बहुत ही नेगलेक्ट करते हैं। वो है यूजिंग द क्रॉप टूल टू एडजस्ट द फ्रेम। अब हम लोग जब कभी पिक्स क्लिक करते हैं तो जो हम परफेक्ट फ्रेम चाहते हैं वो हम कोशिश तो करते हैं कि वही फ्रेम लाए, लेकिन जब हम घर में आते हैं फिर वो फोटोज को रिव्यू करते हैं तो देखते हैं कि थोड़ा अगर ये फोटो फ्रेम में ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर थोड़ा वो सामने होता तो अच्छा लगता है, या फिर राइट में थोड़ा अगर ये कम रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो हमेशा एक हर एक एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा कि एक क्रॉप टूल होता है, क्योंकि आजकल जो हम लोग फोटोज भी क्लिक करते हैं बहुत हाई मेगापिक्सल में होते हैं। तो हम लोग अगर थोड़ा सा क्रॉप भी कर ले अपने फ्रेम को परफेक्ट बनाने के लिए, सो ऐसा कुछ बहुत रिजोल्यूशन बहुत पिक्सल घट नहीं जाएंगे, लेकिन वही एक परफेक्ट अगर फ्रेम हम लोग ने आउटपुट में ला दिया तो वो बहुत अच्छा हो जाता है एक किसी भी पिक के लिए। सो गाइस हमेशा अपना क्रॉप टूल का यूज़ कीजिए। अगर आपको वो परफेक्ट फ्रेम नहीं मिला है तो अगर ऊपर से थोड़ा घटाना है, स्काई को थोड़ा घटाना है, या फिर लेंस शायद आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आ गया फ्रेम में, तो उसको थोड़ा आप घटा सकते हैं। सो एक परफेक्ट फ्रेम में लाने के लिए क्रॉप टूल आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सो इसको हमेशा ध्यान में रखिए एडिट करते समय कि जो कलर करेक्ट एंड कलर ग्रेड है वो तो हम लोग करेंगे, लेकिन क्रॉप टूल भी हम लोग यूज़ करें अगर हम लोग को वो परफेक्ट फ्रेम नहीं मिला है तो हम लोग ज़रूर यूज़ करें। सो ये था मिस्टेक नंबर 3। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 के बारे में। ये स्पेशल टाइप ऑफ फोटोग्राफी के बारे में है, वो है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में जब मैं कोई भी एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी देखता हूँ तो एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक देखता हूँ जो एक एमेच्योर करता है, वो है कि ओवर सॉफ्टनिंग ऑफ स्किन। अब क्या होता है कि वो बस जैसे स्किन मिल गया, बस फेस मिल गया, तो उसे बस एकदम सॉफ्ट एंड ग्लो, कहीं से भी कुछ भी सॉफ्ट कर दिया, पूरा डिटेल ही एकदम घटा दिया एकदम फेस का। सो सॉफ्ट हमें करना है ताकि थोड़ा फिनिशिंग तो रहे, कम से कम थोड़ा डिटेल तो दिखे हम लोग किसी के भी फेस में। एकदम पूरा ब्लरी, एकदम सॉफ्ट, एकदम स्मूथ स्मच कर दिया जो मिला एकदम, वो बहुत ही कॉमन मिस्टेक हो जाता है जो कि शायद किसी लोगों को तो अच्छा लग सकता है, लेकिन आई पर्सनली डोंट थिंक कि वो इतना कोई फोटो को अच्छा बनाता है टेक्निकली अगर हम बात करें, क्योंकि एक हद तक ठीक है। वेडिंग फोटोग्राफी हो गया तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगता है, लेकिन हर टाइप के पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में वो अच्छा नहीं लगता है कि बस एकदम स्किन को सॉफ्ट कर दिया, एकदम पूरा ग्लो कर दिया, एकदम पूरा स्मच कर दिया। सो एक लेवल तक कीजिए जो ज़रूरत है, जो एक फ़ोटो को सच में अच्छा बनाता है, ना कि बस फेस मिल गया तो बस स्मूथ कर देना है। एक ही टारगेट है कि बस स्मूथ कर दो फेस को। सो थोड़ा तो आप खुद भी देखिए कि इज़ इट रियली लुकिंग दैट लेवल ऑफ गुड, और जो हम बस ऐसे ही हमें पता है कि स्किन को सॉफ्ट करना है तो हम लोग सॉफ्ट करते हैं। सो थोड़ा सा वो गाइस सोचिए फिर एडिट कीजिए। एक थॉट, हमेशा कुछ भी एडिट करने पहले से एक थॉट प्रोसेस बनाना। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक थॉट प्रोसेस बना लीजिए। थॉट प्रोसेस बनाएंगे तो आपका पिक इधर से आप खुद ही देख सकते हैं कि जब आप कुछ पिक्स क्लिक करेंगे, फिर जब आप रिव्यू करेंगे कि मैंने जो एक साल पहले जो पिक्स एडिट किए थे, सो आप खुद ही वो डिफरेंस देख पाएंगे कि कितना इम्प्रूव हुआ है आपके स्किल्स में। सो ये था मिस्टेक नंबर 4। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 5 के बारे में। अब बहुत लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा कि ये एक मिस्टेक भी हो सकता है। सीरियसली मैन ये मिस्टेक है। मैं तो ये मिस्टेक तो फिर शुरू से कर रहा था, जब से मैंने फोटोग्राफी शुरू की थी, या फिर जब से मैं पिक के बारे में जाता हूँ तो तब से मैं वो मिस्टेक कर रहा हूँ। सो वो है कि रिपीटेडली इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग। तो हम एक कॉमन गलती करते हैं कि हम एक पिक सपोज लाइटरूम में एडिट कर रहे हैं, तो लाइटरूम में इम्पोर्ट किया एंड फिर एडिट किया जो करना है, फिर एक्सपोर्ट कर दिया, एंड फिर हम अचानक थोड़ी देर बाद देखते कि शायद ये थोड़ा मिसिंग है, शायद मैं थोड़ा अगर ये करता तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता, तो चलो फिर से हम लोग इम्पोर्ट कर दिए, फिर से एडिट कर रहे हैं, फिर एक्सपोर्ट कर दिया। फिर 2 घंटे बाद हमें फिर से लगता है नहीं शायद यहाँ पे अगर ये होता तो शायद और थोड़ा अच्छा लगता, शायद थोड़ा ये होता तो अच्छा लगता। तो हम लोग ने फिर से इंपोर्ट किया, फिर से एडिट किया। ये हम लोग को बिल्कुल नहीं करना है। जितनी बार हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, जितनी बार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग का जो ओरिजिनल जो क्वालिटी है वो बस हमेशा घटते ही जाएगा। हम जितना बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, हम लोग का क्वालिटी जो है बस डिक्रीज ही करते रहेगा। हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने वर्क फ्लो को अच्छा कीजिए। बस एक बार में इंपोर्ट कीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो एंड करते करते एक ब्रेक लीजिए, एक कॉफ़ी पी लीजिए एंड फिर वापस आइए एंड फिर से देखिए कि अभी कैसा लग रहा है, कि एकदम परफेक्ट लग रहा है। अगर आपको पूरा परफेक्ट लगता है देन ही आप एक्सपोर्ट कीजिए एंड सेव कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वेट कीजिए, शायद आपको माइंड को रिफ्रेश कीजिए, थोड़ा घूमने जाइए, थोड़ा वक्त पे जाइए, अपने पेट को घुमाने ले जाइए, कुछ भी करिए जिससे आपका माइंड पूरी तरीके से रिफ्रेश हो जाए। एंड फिर आइए, फिर लैपटॉप के सामने बैठिए एंड देन फिर से देखिए कि अभी क्या जो मुझे दिख रहा है वो क्या परफेक्ट है या फिर अभी किसी ट्यूनिंग की ज़रूरत है, उसे कुछ एडिट करना बाकी है। सो वो ध्यान में रखिए कि जो भी करना है, हम लोग अगर ज़रूरत पड़े तो फाइल को सेव कर लीजिए ना। जैसे कोई भी फोटोशॉप में अगर एडिट कर रहे हैं तो PSD फॉर्मेट में सेव करके रख लीजिए आप लोग। एंड फिर नेक्स्ट दिन जब आप एडिट करने बैठ जाए तो फिर PSD फाइल से एडिट कीजिए। जब फाइनली सब कुछ हो जाए फिर उसको एक्सपोर्ट कीजिए। सो जितनी बार हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे सो आपका फाइल का जो ओरिजिनल साइज है, ओरिजिनल क्वालिटी वो डिक्रीज ही होते रहेगा। सो गाइस एक बार में अपना टाइम दीजिए अपने फोटोग्राफ्स को। बस अभी बैठ रहे तो अभी एक्सपोर्ट करना हो तो ज़रूरी नहीं। हम लोग को जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो प्रो लेवल होते हैं, वो तो कभी कभार एक हफ्ता लगा देते हैं एक फोटो एडिट करने में, क्योंकि वो बिलीव ये करते हैं कि शायद आज मुझे ठीक लग रहा है अभी क्योंकि मैं इस मूड में हूँ, लेकिन कल मैं जब दूसरे मूड में होऊंगा क्या मुझे वो ठीक लगेगा, क्या मुझे वो परफेक्ट लगेगा। सो एक पिक जब हर मूड में अच्छा लगेगा देन वो एक परफेक्ट पिक होगा। सो ये ध्यान में रखना है। तो हमेशा ये कीजिए कि अपने वर्क फ्लो को अच्छा कीजिए एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बार बार करना घटा दीजिए। सो आप कीजिए वो देखना एंड आप जितने मैंने पहले बताए जो पिछले के 4 मिस्टेक्स हैं, ये 5वां मिस्टेक, इन लोग ये सारे मिस्टेक्स को अपने दिमाग में ध्यान रखिए एंड सारे पिक्स एडिट कीजिए। एंड फिर कमेंट सेक्शन में आके दोबारा फिर से आप बताइएगा कि आपका वर्क फ्लो कैसा हुआ, आपका काम पहले से अच्छा हुआ कि नहीं। एंड अभी कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना कि मेरे ये सारे जो मैंने टिप्स डिस्कस किए आपको कैसे लगे। एंड आप देख ही रहे होंगे कि मैं अपने फर्स्ट टाइम इस स्टूडियो में शूट कर रहा हूँ, तो अगर स्टूडियो के बारे में कुछ कहना है, कुछ रिव्यू देना है, कुछ सजेशन देना है या फिर कोई ओपिनियन देना है आपको इस स्टूडियो के बारे में कि मैं फर्स्ट टाइम इस स्टूडियो में शूट कर रहा हूँ, अभी से मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो भी इंडोर वीडियोस जो भी होंगे इसी स्टूडियो में होंगे। सो कुछ भी आपको लगता है तो बस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।